कहानी की शुरुआत में हमें कुछ परजीव साउथ कोरिया के नामिल सिटी में आसमान से गिरते हुए नजर आते हैं, जहां स्टेडियम में डांस पार्टी हो रही है। वहां बहुत सारे लोग झूम रहे हैं। वो सभी इस बात से अनजान है कि अभी उनके साथ क्या होने वाला है। उस परजीव से अजीब सा जीव निकलता है, जो रेंगते हुए पार्टी होस्ट के कान के जरिए उसके शरीर में दाखिल हो जाता है। ये बंदा जो शराब पीकर अब तक धुत्ता, वो होश में आता है और स्टेडियम में लोगों के बीच जाता है, जहां सभी लोग मस्ती में डांस कर रहे हैं। दोस्तों, अचानक उस बंदे का सर कई हिस्सों में बटकर धारदार टेंटिकल्स का रूप ले लेता है, जिसके जरिए वो वहां मौजूद लोगों को मारना शुरू करता है। दोस्तों, ये घटना जितनी मेरे और आपके लिए अजीब है, उतनी ही अजीब नामिल शहर के इन नौजवानों के लिए भी है। आखिर कहां से आए ये परजीव और क्या होगा हम लोगों का इन मॉन्स्टर के आने से, ये देखोगे आप पैरासाइट के इस पूरे सीजन 1 में। इस घटना के एक घंटे पहले नशे में धुत ये बंदा सुपरमार्केट से कुछ सामान लेता है और अपनी ही गलती के कारण वो सुइन नाम की लड़की से बहस करने लगता है, जो बिलिंग काउंटर पर मौजूद थी। अपनी बदतमीजी के कारण उस गुंडे को बिना सामान लिए वहां से जाना पड़ता है। सुइन अपनी शिफ्ट पूरी कर सुपरमार्केट से निकलती है। रास्ते में उसे पता चलता है कि जिस गुंडे से उसकी बहस हुई थी वो उसका पीछा कर रहा है। ये बंदा सुइन के टू व्हीलर को अपनी कार से ठोकता है और बिना कुछ सोचे समझे सुइन पर चाकू से हमला करने लगता है। सुइन बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है, फिर भी वो अपनी जान बचाते हुए खेतों की तरफ भागती है। कुछ दूरी तक जाने के बाद वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। वो गुंडा सुइन की तरफ जाने लगता है, तभी दोस्तों एक परजीव सुइन के पास गिरता है और इससे पहले वो गुंडा सुइन तक पहुंचे, उसकी एक ऐसे हथियार से मौत हो जाती है जो हमें दिखाया नहीं जाता। कुछ देर बाद एक ट्रक ड्राइवर जो उस रोड से गुजर रहा होता है, वो रास्ते में खड़े वाहन को देख पुलिस को फोन कर देता है कि यहाँ कुछ कांड हो चुका है। हॉस्पिटल में सुइन को एडमिट किया जाता है। नैमेल पुलिस हॉस्पिटल आती है विक्टिम से पूछताछ करने के लिए। उन पुलिस वालों को ये केस कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि गुंडा मारने गया था लड़की को, लेकिन खुद उसकी डेड बॉडी पुलिस वालों को क्राइम एरिया से मिलती है। ऐसा कैसे हो सकता है? सीनियर डिटेक्टिव चुलमिन को जब ये बात पता चलती है कि हमला किसी सुइन नाम की लड़की पर किया गया है जो सुपरमार्केट से घर जा रही थी, वो ये बात सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और तुरंत सुइन के पास जाता है, जो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, सुइन के माँ बाप उसे छोड़ चुके हैं। उसके बाद चुलमिन ने ही सुइन का ख्याल रखा है और उसकी हर जरूरत को पूरा करा है। सुइन अपने अंकल को बताती है कि उस पर चाकू से हमला हुआ था, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में आई तो उसके बॉडी पर कोई घाव नहीं था, बस कुछ निशान थे जो कई साल पहले के घाव के थे। सुइन को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि ये निशान आज के दिन से पहले उसकी बॉडी पर नहीं थे और चक्कू का गहरा घाव इतनी जल्दी ठीक हो जाए, ये हो नहीं सकता। चुलमिन उसे रेस्ट करने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में दोस्तों हम मिलते हैं कैंगवू नाम के गली छाप गैंगस्टर से, जो अपने राइवलरी गैंग के लीडर को मारने की नाकाम कोशिश करता है। वो राइवलरी गैंग के गुंडे से अपनी जान बचाते हुए वहां से भागता है। गुंडों से तो कैंगवू बच जाता है, लेकिन अब उसे कुछ दिनों तक छिपकर रहना होगा, क्योंकि अब राइवलरी गैंग के गुंडे उसे हर तरफ ढूंढ रहे हैं, जो उसे मारना चाहते हैं। कैंगवू गुंडों से बचने के लिए अपनी बड़ी बहन के घर जाता है, जिसका नाम क्योंग है। क्योंग अपने भाई को इस तरह देखती है जैसे पहली बार देख रही हो। इसके साथ ही कैंगवू को अपनी बड़ी बहन क्योंग का बर्ताव भी अलग सा लगता है। कैंगवू क्योंग से अपनी छोटी बहन जिनही के बारे में पूछता है, जिसके बारे में क्योंग को कुछ नहीं पता, सिर्फ इसके अलावा कि जिनही कहीं दूर चली गई है। कैंगवू को रात को अपनी छोटी बहन जिनही का फोन दराज में मिलता है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि जिनही कभी भी दुकान छोड़कर कहीं नहीं जाती। इसके साथ ही उसे सेजिन चर्च का एक पैम्पलेट भी नजर आता है। दोस्तों, इस कहानी में सेजिन चर्च बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह का नाम है, आपको इसका सिंबल याद रखना है, ये आपको कई जगह नजर आने वाला है। कुछ दिन बाद सुइन बस में सुपरमार्केट से घर जा रही होती है, तभी उसे एक हाई फ्रिक्वेंसी की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि एक आदमी जो उसे ही घूर रहा है, वो आदमी सुइन के पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। सुइन उस आदमी से डरकर उसी स्टॉप पर उतर जाती है। सुइन जब से उस इंसिडेंट से ठीक हुई है, तब से उसे खतरनाक चीजें महसूस हो रही है। अगले सीन में हम एक मनचले आशिक को देखते हैं, जो एक लड़की के साथ उसके घर पर जाता है। आशिक देखता है कि उस लड़की का घर कम भूत का अड्डा ज्यादा लग रहा है। तभी कुछ और लोग भी वहां आ जाते हैं। उस बंदे को ये समझ आ जाता है कि वो गलत जगह आ चुका है। इससे पहले वो पुलिस को फोन करे, वो लड़की उसे अपना असली रूप दिखा देती है। दोस्तों, ये सभी लोग उस परजीवी का शिकार हुए हैं जिसे आपने कहानी की शुरुआत में देखा था। इस तरह के इंसानी मॉन्स्टर को पैरासाइट बोलते हैं। इससे पहले ये सभी पैरासाइट उस आदमी को मारे, तभी कुछ स्मोक ग्रेनेड उनके पास आ गिरते हैं। ग्रेनेड से निकलते धुएं को देख सभी पैरासाइट बिल्डिंग से भागने की कोशिश करते हैं। तभी कुछ सोल्जर्स वहां आकर उन्हें अपने खतरनाक हथियार से मारना शुरू करते हैं। उन पैरासाइट में से एक सोल्जर्स बसते हुए बिल्डिंग से बाहर निकलता है
तभी उस पैरासाइट को एक वैन से हाई फ्रिक्वेंसी साउंड सुनाई देता है, जो इस बात का संकेत है कि वैन के अंदर भी एक पैरासाइट है। वो वैन के पीछे वाले गेट को खोलता है और उसे एक पैरासाइट नजर आता है, जिसे एक चेयर पर बांध रखा है और उसके फेस को किसी डिवाइस से कवर किया हुआ है। पैरासाइट इतने में कुछ समझ पाए, तभी एक ऑफिसर उस पर हमला कर देती है, लेकिन पैरासाइट उस हमले से बच निकलता है। दोस्तों, इस ऑफिसर का नाम है चोई जोन क्योंग। ये टीम ग्रे की लीडर है, जो कि एक टास्क फोर्स है। टीम ग्रे को बनाया गया है इन पैरासाइट को कोरिया से पूरी तरह खत्म करने के लिए। और दोस्तों, जो अभी आपने वैन में पैरासाइट देखा, वो टीम ग्रे का इकलौता जिंदा पैरासाइट है, जिसे इन्होंने कैप्चर किया है। असल में दोस्तों, एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट को फ्रीक्वेंसी के जरिए ढूंढता है। टीम ग्रे बाकी के पैरासाइट को ढूंढने के लिए या उन्हें फंसाने के लिए इस हंटिंग डॉग का इस्तेमाल करती है। चोई और उसकी टीम को बिल्डिंग के एक रूम में बहुत सारी डेड बॉडीज और एक सिंबल नजर आता है, जिसके बारे में उन्हें अब तक कुछ पता नहीं चला है। अगले सीन में हम कैंगवू की बड़ी बहन क्योंग को रात को घर से बाहर जाते हुए देखते हैं। कैंगवू भी छिपते हुए अपनी बहन का पीछा करता है। सुइन जो घर से जा रही होती है, वो देखती है कि उसके सामने वही आदमी खड़ा है जो उसे पिछली रात बस में मिला था। वो उसे देख वहाँ से तेजी से भागती है। कुछ ही देरी पर क्योंग उसे पकड़ लेती है। असल में दोस्तों, क्योंग और इस अंकल को ये लग रहा है कि सुइन भी उन्हीं की तरह एक पैरासाइट है। ये पता लगाने के लिए वो दोनों अपने अपने मॉन्स्टर रूप में आते हैं और सुइन पर हमला करते हैं। तभी दोस्तों, सुइन का सर भी एक टेंटिकल में तब्दील हो जाता है, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि सुइन भी एक पैरासाइट है। अंकल उसे एक ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए बोलता है, जो कि इन पैरासाइट ने मिलकर बनाई है, ताकि ये सब मिलकर इंसानों को खत्म कर सके। दोस्तों, ये सारी बातचीत कैंगवू सुन लेता है और ऐसे खतरनाक नजारे को देख उसके होश उड़ जाते हैं। अंकल सैजिन चर्च का पैम्पलेट देकर क्योंग के साथ वहाँ से चला जाता है। कैंगवू भी छिपते छिपते वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने सुइन आ जाती है, वो भी पैरासाइट मोड में। सुइन कैंगवू को मारने ही जा रही होती है, तभी कैंगवू उससे अपनी जान की भीख मांग लेता है। पैरासाइट भी उसे इस शर्त पर छोड़ देती है कि वो किसी को भी उसकी असलियत नहीं बताएगा, और अगर उसने ऐसा करने की कोशिश करी तो कैंगवू का वो दिन उसका आखिरी दिन होगा। कुछ देर बाद सुइन होश में आती है, मतलब वो पैरासाइट के काबू से बाहर है। कैंगवू उसे सब बता देता है कि कैसे उसके ब्रेन के अंदर एक मॉन्स्टर है जो उसे कभी भी पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है। सुइन को कैंगवू की एक भी बात समझ नहीं आती और कैंगवू भी अपनी बात पूरी कर वहाँ से चला जाता है। सुइन घर पहुँचती है और अपनी डायरी में एक सवाल लिखती है कि क्या सच में कोई मेरी बॉडी के अंदर है। 11:25 पर सुइन की आंख लगती है और 11:30 पर वो देखती है कि किसी ने उसके सवाल का जवाब लिखा हुआ है। दोस्तों, जवाब यह है कि उस लड़की ने जो कहा वो सब सच है, और जो भी तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो वो लिखकर पूछ लो। दोस्तों, सुइन पूरी रात डायरी में अपने सवाल लिखती है और उसे अपने सारे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। असल में दोस्तों, जिस रात उस नशेड़ी ने सुइन पर हमला किया था, उस वक्त एक परजीवी सुइन के पास गिरा था, जिसने सुइन की बॉडी को अपना होस्ट बनाया। लेकिन उस टाइम सुइन बहुत बुरी तरह से घायल थी, जिसकी वजह से पैरासाइट की आधी से ज्यादा पावर सुइन की बॉडी को हील करने में लग गई, और जिसका नतीजा ये हुआ कि पैरासाइट सुइन के दिमाग के कुछ हिस्से को काबू कर पाई है। दोस्तों, बाकी पैरासाइट जिन्होंने अपने होस्ट को पूरी तरह से काबू कर लिया है, ऐसा सुइन के साथ नहीं हुआ। पैरासाइट 24 घंटे में से सिर्फ 15-20 मिनट ही सुइन की बॉडी को कंट्रोल कर सकती है, और उसे हर हालत में सुइन को जिंदा बचाना होता है। अगर कैसे भी करके सुइन मर जाती है, तो सुइन के अंदर जो पैरासाइट है वो भी अपने आप खत्म हो जाएगी। सो दोस्तों, इस तरह सुइन एक इंसान भी है और अपनी जान बचाने के लिए वो एक मॉन्स्टर भी बन सकती है, जिस पर सिर्फ उसी मॉन्स्टर का कंट्रोल होगा। अगले दिन सीनियर डिटेक्टिव चुलमिन और जूनियर डिटेक्टिव वोंसुक देखते हैं कि नामिल पुलिस स्टेशन में जाने के हर आदमी का एक्सरे किया जा रहा है, और स्टेशन की सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है। चारों तरफ सिर्फ हथियार बंद सोल्जर्स तैनात है। चुलमिन और वोंसुक को पता चलता है कि आज एक बेहद ही जरूरी मीटिंग होने वाली है, जिसमें टीम ग्रे की लीडर चोई नामिल पुलिस स्टेशन वालों को एक ऐसे खतरनाक खतरे के बारे में बताने वाली है, जिसे वो अब तक अनजान है। सबसे पहले चोई उनको अपना इंट्रोडक्शन देती है, और अभी जो उनकी चेकिंग हुई ये इसलिए किया गया ताकि उनके साथ काम करने वाला कोई पैरासाइट ना हो। दोस्तों, अभी नामिल पुलिस स्टेशन वाले पैरासाइट के बारे में कुछ नहीं जानते। चोई उन सबको अच्छे से समझाती है कि कैसे एक परजीवी इंसानी शरीर में घुसकर उसकी बॉडी को कंट्रोल करने लगता है, और इनकी खासियत यह है कि ये अपना चेहरा बदलकर उसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और अब पूरे साउथ कोरिया में ये तेजी से फैल चुके हैं। ये पैरासाइट हमारे बीच में है और इंसानों का वजूद खत्म करना इनका मिशन बन चुका है। चोई उन सबको उस पैरासाइट की डेड बॉडी दिखाती है जो सबसे पहले परजीवी का शिकार हुआ था उस डांस पार्टी में। इन पैरासाइट को खत्म
करने का बस एक ही तरीका है, उनके होस्ट को यानी कि उस इंसान को मारना जो पैरासाइट के कंट्रोल में है। होस्ट खत्म, पैरासाइट खत्म। इसके साथ ही किसी भी इंसान के सर के बाल को तोड़कर ये पता लगाया जा सकता है कि वो इंसान पैरासाइट है या नहीं। अगर बाल तोड़ने पर वो मुरझा गए तो समझ लो ये इंसान एक मॉन्स्टर है। जोई उन सबको अपने हंटिंग डॉग से इंट्रोड्यूस कराती है, जिसकी वजह से टीम ग्रे ने कई पैरासाइट मार गिराए हैं। एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट से ब्रेन वेव्स के जरिए जुड़ सकता है। जैसे ही हंटिंग डॉग, जो खुद एक पैरासाइट है, उसके पास कोई पैरासाइट आता है तो वो एक सिग्नल भेजता है, जिसकी वजह से जोई और उसकी टीम को पैरासाइट के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। और हाँ दोस्तों, इस हंटिंग डॉग के सर पर जो डिवाइस है वो एक ऐसा केमिकल रिलीज करता है जिससे हंटिंग डॉग अपना रूप नहीं बदल सकता। और ये हंटिंग डॉग और कोई नहीं बल्कि टीम ग्रे की लीडर जोई का हस्बैंड है। सो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, बाकी इसका अगला पार्ट जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप ये वीडियो अपलोड होने के 2 दिन बाद देख रहे हो तो दूसरा और तीसरा पार्ट भी अपलोड हो चुका है। जाओ देखो, कमेंट करो, लाइक करो और मौज करो।